सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का स्वागत है फिर से इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में। आप सभी लोग काफी समय से इस बाइबल स्टडी में इस बाइबल अध्ययन में अंतिम समय की घटनाओं के बारे में सीख रहे हो, और आप में से बहुत सारे लोग उत्सुक है। हमें भी बहुत ही इसके बारे में जानकर हमें भी बहुत खुशी होती है, हमारा भी हौसला बढ़ता है, और हम भी खुश है कि इस पीरियड में आप सभी लोग मिले हुए इस फ्री टाइम का भी आप अच्छे से उपयोग कर रहे हो। पिछले काफी समय से हम बहुत कुछ सीखे हैं, नहीं, पर अभी भी बहुत कुछ है जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बाकी है और उसको हम आज सीखने वाले हैं। आइए छोटी दुआ करते हैं और इस बाइबल अध्ययन में हम सभी लोग अपने आप को शामिल करते हैं, अपने मन से, हमारे विचारों से, पर एक बातों से हम इसमें अपने आप को शामिल करेंगे, क्योंकि जब स्टडी होती है, बाइबल अभ्यास करते हैं, तब एक बात हमारा बहुत ही समझने वाली बात है हमें, कि हमारा चित्त, हमारा मन उन बातों में पूरे ध्यान से, मतलब हमें उसमें लगाना है, ताकि एक एक बात का हम सही रूप से पता लगा सके। तो मैं विश्वास आशा रखता हूं कि आप सभी लोग तैयार है और आप पूरे मन से, पूरे चित्त लगाकर इसमें आप जुड़े हैं। तो आइए छोटी प्रार्थना करते हैं और फिर इसमें शुरुआत करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवित प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके जैसा और कोई नहीं है परमेश्वर। आप युगानुयुग एक से परमेश्वर हो, और प्रभु आप हमसे बेहद प्यार करते हो, और इसीलिए आपने हमें चुन लिया, आपने हमें अलग किया, और इस संसार में आपने हमें आपका नाम दिया परमेश्वर। उतना ही नहीं, आपने हमारी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते, आपका धन्यवाद करते, कहीं भी आपने आज तक हमें छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, और फिर से जब हम आपके उन वचनों की ओर जब ध्यान करने के लिए एकत्रित हुए, आप भी हमारे बीच उपस्थित हो प्रभु, क्योंकि हम भले ही हमारे अलग अलग घरों में, अलग अलग स्थानों में हो, पर आप हमारे साथ मौजूद हो प्रभु, क्योंकि हम किसी और नाम को लेकर नहीं, पर तेरे नाम से प्रभु एकत्रित हुए हैं, मौजूद हुए हैं प्रभु। और हम आज दुआ करते प्रभु, फिर से हमारा एकत्रित होना, आपके वचनों में से सीखना प्रभु व्यर्थ न जाए, पर और भी हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण बनने पाए प्रभु, हमारे विश्वास में और भी मजबूती का कारण बनने पाए प्रभु, हमारी आशा में और भी दृढ़ बनने का कारण बनने पाए प्रभु। हम मांगते प्रभु, हम सभी लोग, जितने भी लोग सुन रहे, हमारे हर एक गुनाहों को, पापों को प्रभु आप क्षमा करें, जहां भी हमने पवित्र आत्मा आपको खिन्न किया हो, दुखित किया हो प्रभु, आपके प्रति समर्पण में हम पीछे रहे हो, हम क्षमा मांगते उन बातों के लिए। पवित्र आत्मा हमें क्षमा करे, यीशु आपके लहू से धोकर शुद्ध करे, पर दुआ करते इस समय को आप आशीषित करें प्रभु जी। यीशु का लहू हम हर एक के व्यक्ति, हर एक सुनने वाले व्यक्तियों के ऊपर, उनके विस्तार पर, उनके आसपास के माहौल पर हम लगाते हैं। शैतान की हर युक्तियां हम निष्फल करते हैं प्रभु। इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपकी युक्ति सफल हो, आपकी योजना सफल हो और आपकी महिमा हो। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के बड़े पवित्र नाम से करते हैं, इसे कबूल करें। सभी मिलकर कहेंगे आमीन। तो जब छठा कटोरा उंडेला गया, प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय में, तब हमने पढ़ा था कि नहीं, फरात नदी जो यूफ्रेटिस नदी है उसके ऊपर छठा कटोरा उंडेला गया, और यह पूरी बात आर्मागेडन बैटल के बारे में थी, उसके प्रिपरेशन के बारे में। हमने सीखा था कि फरात नदी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, नहीं, गहराई कितनी है, 1780 माइल लंबी है, 10 से 30 फीट गहरी है, 600 से 1200 फीट चौड़ी है, और हमने ये सीखा था कि जब ये कटोरा उंडेला जाएगा, ये नदी सूख जाएगी, और ये इस प्रिपरेशन में होगा, इस पूर्व तैयारी के रूप में होगा कि पूर्व की दिशा के राजा, नहीं, इस लड़ाई में शामिल होने वाले हैं, तो उनके लिए आने का रास्ता तैयार हो, है ना। जैसे ही यर्दन नदी
में से मार्ग निकाला था सुखा कर, और जैसे लाल समुद्र को सुखा कर परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए मार्ग निकाला था, वैसे इस नदी को भी सुखाई जाएगी उस समय में। इस प्रकार आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपके सामने मैप है, उसमें यूफ्रेटिस नदी कहाँ से शुरू होती, नहीं टर्की में से इसकी शुरुआत होती है, और ये बहती 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 सीरिया से होकर, इराक से होकर, नहीं वो अरबी समुद्र में जा मिलती है। तो ये यूफ्रेटिस नदी का पूरा रास्ता है, पर ये नदी सूख जाएगी। आपको यहाँ पर कुछ चित्र नासा के चित्र है जो 2006 में इस नदी का क्या हाल था वो दिखाया गया है, और 2009 में क्या हाल हुआ वो दिखाया गया है। मतलब वो दिखा रहे हैं कि सूख रही है, इसके बाद में तो 10 साल और बीते, इसमें कुछ बदलाव और भी आया है, हालांकि वो सूखी नहीं पर थोड़ी भरी है, पर अब सूख रही है वो, है ना। तो ये बात है, और वो क्यों सूख रही है, तो आर्मागेडन की जो लड़ाई होने वाली है अंतिम समय में, 3.5 साल का जो क्लेश काल, अंतिम क्लेश काल है, जो महाक्लेश काल जिसको बोलते, उसके अंत में यह लड़ाई होने वाली है, और हम यहां पर पहुंच चुके हैं, है ना। आपको पता हो तो पांचवे कटोरे तक जो पहला कटोरा था नहीं उसकी असर रहती है, जो फोड़े निकलते हैं उसकी असर पांचवे कटोरे तक रहती है, और यहाँ पर छठा कटोरा उंडेला जाता है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि वो पीड़ाओं के साथ में ही, उन पीड़ाओं के साथ में ही यह समय की मानो शुरुआत होती इस पूर्व तैयारी की। छठी शताब्दी में बेबीलोन सेना जब आई नहीं यरूशलेम पर वार किया जब उन्होंने, तब वो यहां से ही आई थी, इस नदी को क्रॉस करके ही उनको आना पड़ा था। और एक और बात यहां पर आपको जानने मिलेगी प्यारो, एक डिटेल है जो आपको बताना चाहते हैं। यहां पर वन बेल्ट वन रूट नहीं, यह एक पहल की गई है, और यह पहल की गई है चाइना की तरफ से 2013 में, और यह पूर्व तैयारी का ही एक भाग के रूप में है प्यारो। अगर आप इसको देखोगे इन दिनों में इस संसार में जो घटना घट रही है वो भी इस आर्मागेडन बैटल की पूर्व तैयारी के रूप में है प्यारो। अब वो किस तरीके से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में, यह एक दूसरा नक्शा है वो आपके ध्यान में रहेगा, चाइना यहाँ पर आपको दिख रहा है, चाइना दिख रहा है यहाँ पर, एक बड़ा कर्सर आपको ध्यान में आता हो तो चाइना यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर चाइना दिख रहा है। तो चाइना ने क्या किया है पता है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नहीं, आज के समय में वो क्या है कि एक उभरता हुआ नहीं व्यापारिक क्षेत्र है, उसने अपने व्यापारिक क्षेत्र को बहुत उभारे है, और ये एक उभरती हुई आर्थिक ताकत बन रहा है अब नहीं। आप देखोगे तो उस समय में, पहले समय में व्यापार समुद्री मार्गों से होता था, और कुछ मैरीटाइम रूट्स भी यहाँ पर बताए गए हैं जो आपको ब्लू कलर के अगर आपको देखने मिले तो ये ब्लू डॉट्स है जो यहाँ पर चाइना से आपको देखने मिलेंगे मैप से, ये ब्लू डॉट्स है, ये मैरीटाइम रूट्स है, ये समुद्री मार्ग है सब नहीं, ये समुद्री मार्ग से इन्होंने बहुत कुछ सेट किया हुआ है। और अब ये दूसरा जो रूट है वो उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई, 7 साल से इसके पीछे काम चल रहा है। और ये क्या है, इनकी जो पहल है कि चाइना से इंग्लैंड, चाइना से जर्मनी, चाइना से अफ्रीका, चाइना से एशियाई देश, इन सभी देशों में उनका व्यापार फैलता जाए। जब शुरुआत में औद्योगिक क्रांति आई थी तब क्या हुआ था कि कच्चा माल लेने के लिए लोग इन देशों में आते थे, एशियाई देशों में आते थे, क्योंकि कच्चा माल यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया है। तो अब यहां से जो बोला जाता है कि अफ्रीका में नहीं बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा माल पाया जाता है, तो उसको लाने के लिए और
अपने देश में उसको लाकर वहीं पर उसको पहुंचाया जाएगा। नहीं, इन सब ये सब बातें इनके साथ जुड़ी हुई है और इसके साथ इनकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ेगी, औद्योगिक ताकत भी बढ़ेगी, फाइनेंशियल पावर भी इनका बढ़ेगा। तो इन्होंने ये जो रूट किया है वन बेल्ट वन रोड, इसको बोलते OBOR, है ना। ये वन बेल्ट ये हकीकत में है क्या, तो आपको ये रेड डॉट दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर स्लाइड्स में कर्सर, मैं आपको यहाँ पर कर्सर दिखाऊंगा। जियान से लेकर ये चाइना से शुरू होता है किर्गिजस्तान, किर्गिजस्तान से ये जाता है तजिकिस्तान, तजिकिस्तान से ये जाता है उज्बेकिस्तान से लेकर ईरान, ईरान से जाता है ये टर्की, टर्की से जाता है ये रशिया, रशिया से जाता है जर्मनी, और जर्मनी से जाता है नेदरलैंड, वहां से जाता है इटली, वहां से मतलब ये पूरा मतलब इंग्लैंड जर्मनी रशिया ये सब पूरे क्षेत्रों में अपना व्यापार बढ़ाने का ये चाइना का एक किस्म का जो बोले कि ये पहल है। अब ये व्यापार बढ़ाने के लिए इसने एक मांग की है कि एक रास्ता तैयार किया जाए, वो ये रेड डॉट वाला जो है वो रास्ता तैयार किया जाए। अब ये रेड डॉट वाला जब रास्ता तैयार करने की शुरुआत 2013 में इन्होंने जब प्रपोज किया उसके साथ ही ये शुरू हो गया। अब क्या हुआ, इसको सिल्क रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क रोड। ये रास्ता माना जाता है 65 देशों में 4.4 बिलियन लोगों को मतलब फायदा पहुंचाएगा ऐसा बोला जाता है। और ये वन बेल्ट वन रोड ये पहल जब हुई तो ये सब चीन के लिए आर्थिक कॉरिडोर मतलब उनके द्वार बनेंगे एक किस्म के। और यहां से क्या होगा, चाइना की बहुत सारी बातें मजबूत होगी। अभी आप देख रहे हो कि चाइना के जो जो प्रधान है ना शी जिनपिंग, उसने ऐसी चाल खेली है कि अपने पद को उसने बहुत ही सिक्योर कर दिया है कि कोई उसको हिला नहीं सकता है। और उसी ने अपने आप की उसकी ताकत चाइना की बढ़ाने के लिए सिल्क रूट की भी शुरुआत कर दी है। प्यारो 7 साल से इस पर काम चल रहा है। और ये रूट कहां पर मिलता है पता है? यूफ्रेटिस नदी के मार्ग पर जाकर मिलता है। प्यारो पता है यहां पर इसराइल है आपको दिख रहा हो तो, और यहां पर ये यूफ्रेटिस नदी वाला ये टर्की वाला जो ये रास्ता है ये पूरा ईरान, और ये पूरा रास्ता ये यहाँ पर ये जो रास्ता जाता है यूफ्रेटिस नदी का रास्ता है। मतलब आप समझ रहे हो कि इसके पीछे नहीं एक किस्म की पूर्व तैयारी मानो शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन मानो शुरू हो गया है कि उस समय में क्या होगा कि जो बड़ी लड़ाई होगी नहीं उस लड़ाई में पूर्व से सेनाएं शामिल होने वाली। ये पूर्व के देश है, यहाँ पर इसराइल है और इसराइल का पूर्व भाग हिस्सा यहां पर आता है, ये पूर्व हिस्सा चाइना वियतनाम नहीं तजिकिस्तान ईरान नहीं ये सब देश पूर्व के देश है। तो प्यारो ये बात समझने वाली बात है कि ये लोग क्यों आएंगे, तो यहूदी प्रजा इसराइल को खत्म उस पर खात्मा बुलाने के लिए। अब यहां पर दूसरा जो पार्ट था हमने छठे कटोरे में देखा था कि अजगर के मुंह से झूठे भविष्यता के मुंह से नहीं और उस पशु के मुंह से तीन मेंढकों के रूप में दुष्ट आत्माएं निकलती है। अब बाइबल में मेंढकों को झूठ बोलने वाली आत्मा कहा गया है, झूठ बोलने वाली आत्मा कहा गया है। और यहां पर नहीं एक किस्म का पॉलिटिकल रिलीजियस और सैतानिक कैंपेन यहां पर इसराइल के विरुद्ध में उठ खड़ा होने वाला है। तो इसका प्रमाण अगर आपको हमने लास्ट टाइम देखा था कि नहीं यूनाइटेड नेशंस में कुछ रिजोल्यूशन पास हुए, उसमें से ज्यादातर रिजोल्यूशन इन सालों में पिछले सालों में इसराइल के विरोध में कि भाई इसराइल आपको यह सुधार लाना है, इसराइल में यह सुधार लाना है, ये लाना है, ये करना है। और उसमें एक खास बात थी इनकी कि इनका ये बात हमेशा रही है कि यरूशलेम को डिवाइड किया जाए, इसराइल से अलग किया जाए। अब एक बात समझने वाली है, ये जो दुष्टात्मा इनके पास जा रही है ये चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं,
कौन सी आत्माएं हैं? चिन्ह दिखाने वाली, बोलिए चिन्ह दिखाने वाली। आपको अगर ध्यान में हो तो इन दिनों में ये सारी बातें भी बहुत हो रही है, नहीं? लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे बहुत भाग रहे हैं कि भाई चिन्ह हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और चिन्ह नहीं हुआ तो प्रभु नहीं, चमत्कार नहीं हुआ तो तू प्रभु मेरा प्रभु नहीं है, नहीं। तो प्यारो ये बात नहीं है, चिन्ह हो या न हो, यीशु तू मेरा प्रभु हमेशा रहेगा, नहीं? ये बात के साथ हमारी विश्वास योग्यता साबित होती है, नहीं? मेरे जीवन में चिन्ह हो, चमत्कार हो या न हो, मेरा प्रभु यीशु हमेशा मेरा कहलाएगा। पर जिनको चिन्ह है, चमत्कार देखने की आदत पड़ गई है, हो सकता है कि उन दिनों में, नहीं, वो लोग यहां रह जाए और या इन दुष्ट आत्माओं के द्वारा भरमाया जाए। प्यारो तो अपने विश्वास को, हाँ, चिन्ह चमत्कार प्रभु करता है, पर उसके साथ ही हम जोड़े रखे भाई नहीं, अब ये कर दो, अब वो कर दो, ये चमत्कार हो जाए, वो चमत्कार हो जाए। अरे भाई, ना हो तो भी क्या प्रभु नहीं रहेगा क्या आपका? नहीं, हो या ना हो, वो मेरा प्रभु हमेशा रहना ही चाहिए। हालेलुया, आमीन। अब ये जो तैयारी थी वो हमने देखा था कि ये मेगिडो नाम की जो पहाड़ियां है, जो तराई है, जो जो विस्तार है पूरा, नहीं, यहाँ पर ये लड़ाई होने वाले, जिसको यहोशापात की भी तराई या तो किद्रोन की घाटी भी बोला गया है वहां पर। और इसका मीनिंग है हर मेगिडो का द प्लेस ऑफ ट्रूप्स या तो प्लेस फॉर स्लॉटर, नहीं, ये बोला गया है। और यही एक जगह है जहां पर हमला हो सकता है, यहां से हमला संभव है। क्यों? क्यों? देखो, यहां पर आपके ध्यान में आएगा, यहां पर आपके ध्यान में आएगा, एक मिनट। ये आपको दिख रहा होगा, ये कर्सर मैंने बड़ा किया, यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो है ये जेज्रेल वैली है, यहां पर ये किद्रोन की घाटी, और ये वो हिस्सा है जहां पर ये लड़ाई होने वाली है। इस ये एक ही जगह है जहां पर ये होगा, और ये दूसरा व्यू है, नॉर्थ टू साउथ व्यू है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये मेगिडो है, यहां पर ये कर्सर यहां पर आपको दिख रहा है, ये मेगिडो है। अब दानियल में भविष्यवाणी हुई थी कि चार बड़ी सेनाएं, मिनिमम चार बड़ी सेनाएं उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से आएगी, और दूसरी एंटी क्राइस्ट उसकी सेनाएं, और उसने जितने भी लोगों को अपने पक्ष में खड़ा किया होगा, ये सारी सेनाएं यहां पर इकट्ठी होगी, ये छठे कटोरे में इकट्ठा किया जा रहा है सेनाओं को इज़राइल के विरोध में। प्यारो, अब क्यों ये ही जगह पर? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेगिडो एक मेटाफोर है, ये कोई खास लिटरल स्पेस नहीं है, पर ये झूठ है प्यारो। ये एक वो ही जगह है जहां पर पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी लड़ाइयां यहाँ पर हुई थी, और ये ही इसी जगह पर जहां पर योशाया राजा, जो नहीं, उनका सबसे भला राजा, सबसे अच्छा राजा इज़राइल को मिला है, तो वो किंग योशाया है, योशिया राजा है, और वो यहाँ पर मारा गया था। दूसरा गिदियोन की जो लड़ाई हुई थी वो भी यहीं पर हुई थी, जहां पर विजय पाई थी, नहीं, ऐतिहासिक विजय, बहुत ही चुनिंदा लोगों के द्वारा, 300 चुनिंदा लोगों के द्वारा वो लड़ाई जीती गई थी, सामने लाखों की संख्या थी। और ये वो ही जगह है, ये मेगिडो की तराई, और इसलिए इसको, इस युद्ध को प्रकाशित वाक्य में हर मेगिदोन का युद्ध बोला गया है। और क्यों यहां पर? क्योंकि यहीं पर ये जो आप देख रहे हो, ये कर्सर में लगाया है, ये एरो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यही वो जगह है जहां पर
इज़राइल का एयर बेस है, मतलब जहां से उसकी हवाई ताकत है, नहीं एरोप्लेन्स और फाइटर प्लेन्स नहीं, ये सब वहां पर हवाई अड्डा है इनका, और वहीं उसके आसपास में ही हो सकता है इनके न्यूक्लियर वेपन्स भी वहीं पर है, तो लड़ाई यहीं पर होना संभव है प्यारो। अब आर्मागेडन जो बैटल है, हर्मगेडन का बैटल जो है, यह सिर्फ एक ही तबके में नहीं होने वाला है कि यहां पर ही सब कुछ पूरा हो जाए, यह अलग अलग तबकों में होने वाला है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। नेपोलियन ने 1799 में उसने एक स्टेटमेंट यहां पर दिया था, इस जगह पर जब वो आया था, जो बड़ा सम्राट हो गया नेपोलियन, जिसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा हिस्ट्री में, उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये जगह देखकर कि इसके इस जगह के जैसा और कोई युद्ध नहीं जगह नहीं है, देखा कि देयर इज नो प्लेस इन द होल वर्ल्ड मोर सुटेड टू वॉर देन दिस, नहीं लड़ाई के लिए अगर कोई सुटेड प्लेस है तो इससे बढ़कर और कोई जगह नहीं है, और ज्यादातर जो लड़ाइयां इज़राइल की लड़ी गई है वो यहां पर लड़ी गई थी। ये पूर्व के राजा कौन होंगे जिनके लिए वो फ्रात नदी नहीं इफ्रेटिस नदी सूख गई है, उनके मार्ग तैयार हुआ है और ये सब हुआ, ये तैयार हुआ है, तो ये पूर्व के राजा हो सकता है ईरान का हो सकता है, मैं नहीं बोलता हूं कि ये ही होगा, नहीं हो सकता है ये ईरान होंगे, क्योंकि यही ताकत है जो इनके विरुद्ध में खड़ी हुई है आज भी, जिन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि इज़राइल का नामो निशान हम मिटा देंगे। पाकिस्तान हो सकती है क्या, भारत भी पूर्व में क्या भारत हो सकती है, मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं। रशिया, रशिया का चांस है, चाइना, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार मतलब बर्मा या टर्की, कौन नहीं इसमें से, ये पूर्व के लोग है नहीं, ये पूर्व की सेना है। अब प्यारो आप देखें 2 मिलियन से भी ज्यादा सेना होगी है, तो यहां पर इतने सारे लोग, यही एक जगह है जहां पर लड़ाई लड़ सकते हैं, और इसलिए ये हर्मगेडन का लड़ाई नहीं आखिरी लड़ाई के लिए इसको चुना गया हुआ स्थान है, बाइबल में इसको सेट किया है। अब ये यूफ्रेटिस नदी का आपने देख रहे पूर्व के ये ईरान और ये जो दूसरे भी देश है यहां से होकर आएंगे, और वो जो जगह है वैली ऑफ आर्मागेडन जो आपके सामने है, वो ये आपके सामने थोड़ा क्लोज व्यू आपको देखने मिलेगा, वैली ऑफ आर्मागेडन, और यहां पर ये लड़ाई होने वाली है कि जिसके बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर ने ये लड़ाई लड़ी, किसने, परमेश्वर ने, और इसके साथ कौन जुड़े हैं ये हम आने वाले समय में देखेंगे, इस लड़ाई में कौन शामिल होने वाला है परमेश्वर के पक्ष में, परमेश्वर के साथ कौन जुड़ने वाला है, वो हम आने वाले समय में हो सकता है तो नेक्स्ट बाइबल स्टडी में इसको हम देखने वाले हैं। ये सब कुछ यहूदी जानते हैं, ये सब कुछ हाँ यहूदियों को ये पता है, क्योंकि वो आपको ध्यान में हो तो जब खजूरी का रविवार हम मनाते नहीं, उसमें क्या हुआ था कि यीशु का विजयवंत प्रवेश वहां पर हुआ था, और खजूरी की डालियां लिए हुए लोग वहां पर थे, उन्होंने कपड़े बिछाए, और राजा के रूप में उस समय में राजा विजय कुछ जब करता था तब वो घोड़े पर बैठकर नहीं करता था, हालांकि जब लड़ाई लड़ने जाते थे तब घोड़े पर बैठ के जाते थे, पर विजय कुछ करके जब आते थे, विजय नहीं पाने के बाद जब वो वापस लौटते थे तो वो गधे पर बैठकर आते थे, नहीं वो हमने देखा कि यरूशलेम में यीशु का जब प्रवेश हुआ था तब उन लोगों ने कुछ बातें बोली थी, नहीं धन्य हो दाऊद पुत्र, होसाना होसाना, जो परमेश्वर के नाम में आता है धन्य है वो। अब ये भविष्यवाणी इस बात को लेकर की गई थी, और इसीलिए उनको यहूदियों के ध्यान में यह है कि जब
मसीहा आएगा तब ये बात होगी कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी और वो लड़ाई जीती जाएगी और वो हमारा मसीहा होगा। हालेलुया। और अगर कुछ रेफरेंस यहूदियों के ध्यान में है, पुराने नियम की बात करें तो उनको ध्यान में है, क्योंकि वो पुराने नियम को पढ़ते हैं, पुराने नियम की भविष्यवाणियां उनके ध्यान में है, और इसलिए इनको पता है कि मसीहा का आना इस समय होगा। पर उनको यह पता नहीं है कि मसीहा ऑलरेडी आ चुका है। ये जो बाइबल के जो संदर्भ है वो तो मसीहा के दूसरे आगमन के संबंधित। देखिए यहां पर जकरिया का पुस्तक 12वां अध्याय पहली और तीसरी 3 आयत यहां पर लिखा गया। जकरिया ने यह भविष्यवाणी बाबिल के बंदीवास के बाद में की थी, और यह भविष्यवाणी भविष्य में होने वाली एक बड़ी घटना के बारे में थी। देखिए यहां क्या लिखा है, इसराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, जकरिया 12:1-3 में क्या है, इसराइल के विषय में, किसके विषय में, इसराइल के विषय में लिखा है, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नेव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। कौन है मनुष्य की आत्मा का रचने वाला, यहोवा, हालेलुया, उसकी यह वाणी है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़ खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, अभी तक यह बात हुई नहीं है, जो अभी तक नहीं हुआ है। यरूशलेम को चारों तरफ से सब जातियां, नहीं सब जातियों की बात लिखी गई है, नहीं सब जातियां, अभी तक ऐसा समय आया नहीं कि सब जातियां उसके विरुद्ध में वहां पर जाके इकट्ठी हो गई हो, नहीं। तो यह आने वाले समय की भविष्यवाणी है, जो बड़ी बड़ी घटना जो घटने वाली है उसके बारे में, बैटल ऑफ आर्मगेडन। तब यहूदा की दशा भी ऐसी होगी, लिखा है कि यरूशलेम घेर लिया जाएगा, ठीक है, और उस समय, इंग्लिश में लिखा है ऑन दैट डे, उस समय, जहां भी भविष्य वक्ताओं ने यह बात बोली है ऑन दैट डे या तो उस समय, तो यह फाइनल पीरियड के बारे में बोला गया। यह फाइनल पीरियड मतलब अंतिम समय की इस घटना, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बोला गया। उस समय, जहां भी उस समय भविष्यवक्ताओं ने बोला है, वो इस घटना को इंगित करते हैं, और वो घटना है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। पहला आगमन तो वो कैसे आए, कैसे आए, वो एक नम्र सेवक बनकर आए वो, पर दूसरे आगमन में वो राजा बनकर आने वाले हैं। हालेलुया, विजयी राजा। और लिखा है यहां पर, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। क्या अभी हुआ है, ये नहीं हुआ है। पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे, और उस समय में उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेगी, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर, मंडली कलीसिया की बात नहीं है, हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर वो लोग बोलते हैं ये कलीसिया के बारे में, क्योंकि कलीसिया ट्रिब्यूलेशन में रहेगी, बट कलीसिया ट्रिब्यूलेशन में, क्लेश काल में रहने वाली है ही नहीं, उनका तो रेप्चर हो चुका होगा, है ना। तो ये चर्च के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है, ठीक है। मैं दाऊद के घराने यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। लिखा है उस समय, ऑन दैट डे, यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिदोन की तराई में हुआ था। मगिदोन की तराई में जब किंग जोसाया, इज़राइल का एक अच्छा राजा, मारा गया था, तब बहुत भारी शोक हुआ था, वैसा ही शोक इस समय होगा। क्योंकि तब वो जानेंगे
कि जिसको हमने बेधा, जिसको हमने छेदा, वो तो हमारा मसीहा बहुत पहले आ चुका है। क्योंकि अब इनको पता चल चुका होगा कि झूठा मसीहा कौन है और सच्चा मसीहा कौन है, क्योंकि जब यहां पर लोग यीशु को आते देखेंगे तब इनको पता चल जाएगा कि ये तो वो ही मसीहा जिनको हमारे पूर्वजों ने बेधा था। हाँ प्यारो, और इसीलिए ये लोग रोएंगे और ये उनके उद्धार का, ये उनके सालवेशन का दिन होगा। रोमियो 11 और 26 में पौलुस ये बात को बोलता है कि एक ही दिन में नहीं, ये उनका समय होगा कि उनके उद्धार का समय। सब यहूदी इसी दिन की बात जो रहे हैं, पर वो लोग मिस कर गए हैं यीशु के पहले आगमन। उनको लगता है कि अभी तक मसीहा का पहला आगमन नहीं हुआ है, मसीहा आएगा तो सीधा हमें लड़ाई लड़के छुड़ा ही लेगा, यही वो समझ रहे हैं। पर हकीकत में वो यीशु के पहले आगमन को मिस कर गए प्यार। हाँ, क्योंकि वे मानते थे कि यह सब जब मसीहा पहली बार आएगा तभी होगा, हो जाएगा। हाँ, तब ये मानते। पर जखरिया यहाँ पर स्पष्ट कर देता है कि पहली बार तो वह दुख उठाने को आया है और दूसरी बार जब राजा के रूप में लड़ाई लड़ने के लिए वो आएगा। आपको अगर पता हो तो यूहन्ना 18 और 33 में पिलातुस के सामने जब यीशु खड़े होते हैं तो पिलातुस पूछता है, तू यहूदियों का राजा है? नहीं, वहां पर पूछता है और ये बात बोली, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर मैं यहूदियों का राजा होता तो मेरे सेवक मुझे यहूदियों को ना सौंपा जाए इसके लिए लड़ाई लड़ते, मेरे सेवक लड़ते, मेरा साथ देते, मतलब मेरे चेले। यारो, मतलब लड़ाई लड़ने का समय आएगा, यीशु यहां पर ये बोल रहे हैं। हालेलुया, लड़ाई का समय आएगा कि जिसमें मेरे लोग मेरे साथ होंगे। हालेलुया, यहूदी लोग एक और बात को भी यहां पर जोड़ रहे हैं। यर्मिया की पुस्तक 30:1-9 यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं, ऐसे दिन। अब लोग यहां पर ये समझ रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये तो इसराइल के बंदीवास में से 17 साल के जो बंदीवास थे उसमें से लौटने का जो समय है बंधुवाई से, वो बात है। पर यहां पर वो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इजरायली और यहूदी प्रजा को बंधुवाई से लौटा आऊंगा। अब ये बात 1948 की बात है जब इसराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया, किसी की गुलामी में वो न रहा, किसी के हस्तक वो न रहा, एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया वो। क्योंकि उस समय इसराइल और यहूदा अपनी भूमि में वापस नहीं आए थे, और यह बात उस समय नहीं बनी थी जो 2000, ये जो घटना है उससे 2000 साल के बाद में बनने वाली थी, नहीं 2000 साल के बाद में, मतलब 1948 में ये घटना घटने वाली थी। और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था उसमें उन्हें फिर ले आऊंगा और वे फिर उसके अधिकारी, देखिए यहां पर फिर उसके अधिकारी होंगे। बंधुआई में से जब लौटा कर लाया परमेश्वर उनको 17 साल के बंदीवास में से, उसके बाद में तो बहुत सारी दूसरी भी प्रजाएं इनके ऊपर राज की है, नहीं ग्रीक और रोमन और ये सब हम सब हिस्ट्री देखते हैं तो हम समझ पाते हैं। पर यहां पर लिखा है कि वे उसके अधिकारी होंगे, यहोवा का यही वचन है जो यहोवा ने इसराइल और यहूदियों के विषय कहे थे, वे ये है। यहोवा यो कहता है, क्या पुरुष को भी कहीं जन्ने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा की नाई अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं?
क्यों सबके मुख फीके रंग के हो गए? हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, वह दिन उसके समान और कोई दिन नहीं। जब बंधुआई में से लौटा लाया तब ऐसा था कि उसके समान कोई दिन नहीं, नहीं लिखा है वह याकूब के संकट का समय होगा। यह याकूब के संकट का समय है कि सारी जातियां इसके विरुद्ध में होगी, लिखा है परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा और सेनाओं के यहोवा की वाणी के उस दिन में उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और परदेशी फिर उनसे अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे। वे परमेश्वर यहोवा और राजा दाऊद की सेवा कब करेंगे? जब मिलेनियम हजार साल का राज्य आ जाएगा। नहीं, पर उससे पहले ये घटना का होना, लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा एक रेफरेंस है, यहोशापात की तराई में सब जातियां जब इकट्ठी होंगी तब जब लोग जानेंगे कि यही परमेश्वर है। योएल नबी की किताब पहली दूसरी आयत और 12-17 आयत, इन दो पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, यहां पर क्या लिखा है, यहूदा और यरूशलेम वासियों को, सिर्फ यहूदी राष्ट्र के विषय ही नहीं पर यरूशलेम के बारे में भी यहां पर बोला जा रहा है। 1967 में यह हुआ कि यरूशलेम नहीं उनके साथ जोड़ दिया गया, पर अभी भी यह प्रयास जारी है कि उसको अलग किया जाए। यरूशलेम 2000 साल तक नहीं कभी भी इनसे जुड़ा नहीं था, हालांकि यहूदी अलग हो गए थे, यहूदी को वहां पर ला दिया गया था, पर यरूशलेम उनके कब्जे में नहीं था। अब यहां पर क्या लिखा है, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तरह, अब जो यहोशापात, याहवे शाफात, इसका मीनिंग होता है याहवे शाफात और इसका मूल अर्थ है द लॉर्ड हैज जज्ड, मतलब परमेश्वर ने न्याय किया है। नहीं, यहां पर परमेश्वर का न्याय करने का समय होगा प्यारो, परमेश्वर यहां पर न्याय करेगा जाति जातियों का, जिसके लिए बाइबल में जिक्र किया गया है। देखिए, यहां पर जातियों को इकट्ठी करके यहां ले आऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इज़राइल के विषय में, जिसे उन्होंने अन्य जातियों में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया। नहीं, इज़राइल के साथ जो बर्ताव किया गया उसका मुकदमा परमेश्वर यहां लड़ेंगे। मानो इज़राइल को जो किया है उसका बदला प्रभु यहां पर लेंगे। प्यारे, अगर आपको पता हो, आपके ध्यान में हो, तो यीशु ने जैतून पर्वत पर कुछ बातें बताई थी और न्यायकाल के बारे में, कि वहां पर वो बताया गया था कि इन इन छोटों में से, मतलब मेरे भाइयों में से किसी को भी तुम करते हो तो वो मुझे करते हो, है ना। हालांकि वो कलीसिया अपने लिए भी ले रहे, वो सही है, वो बात भी है कि कलीसिया के लिए भी है, वो सेंस भी है कि नहीं, हम दूसरों की जब मदद करते हैं तो वो परमेश्वर को, मतलब वो बात आती है वहां पर। तो पर प्रभु अपने भाइयों की बात कर रहे हैं, उनके भाई कौन है, यहूदी। तो इनके बारे में कि यहूदियों के साथ जो भी किया जाएगा वो प्रभु ध्यान में लेता है, वो नोट डाउन किया हुआ है सब कुछ। और यूनाइटेड नेशंस जो आज कर रहा है उसका मुख्य हेतु एक ही है कि किसी भी हालत में यरूशलेम को डिवाइड किया जाए, इज़राइल से यरूशलेम को अलग किया जाए, डिवाइड किया जाए। वो हालांकि यूनाइटेड नेशंस को ये पता नहीं है, पर नहीं के पीछे जो काम कर रहा है डेमोनिक एक्टिविटीज, शैतान काम कर रहा है प्यारो, ये बात है।
बारहवीं आयत, जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदो क्योंकि हौज भर गया है, रसकुंड उमड़ने लगे क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ी है। निबटारे की तराई मतलब वैली ऑफ डिसीजन ऐसा है, मतलब चुकादे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में, चुकादे की तराई में, न्याय की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे। अभी हमने देखा नहीं वो समय कि बेबीलोन के मतलब एंटी क्राइस्ट के सिंहासन पर, उस पशु के सिंहासन पर नहीं, पांचवा कटोरा जब उंडेला गया था तो वहां पर क्या हुआ था, अंधकार छा गया था। तो ये वो बात है, सबसे ये तबक के वार है, ये आर्मागेडन, बैटल ऑफ आर्मागेडन के बारे में हम समझ रहे हैं आज के दिन में। आज का विषय यही है, बैटल ऑफ आर्मागेडन। ये तबक के वार है नहीं, इसमें बेबीलोन के ऊपर भी नहीं प्रभु न्याय जाहिर कर रहा है, ये वो भी बात हो रही है यहाँ पर। ये हम आगे देखने वाले हैं। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि प्रकाश न देंगे और न तारे चमकेंगे, और यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा और आकाश और पृथ्वी थर थर आएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इसराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से, ये ध्यान रखना, सियोन से गरजेगा। अब जब सातवां कटोरा उंडेला जाएगा तब कुछ होने वाला है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये अब हम आने वाले कुछ स्लाइडों के पश्चात हम ये देखने वाले, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इसराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। इस प्रकार तुम जानोगे कि यहोवा अपने पवित्र पर्वत सियोन पर वास किए रहता है, वही हमारा परमेश्वर है और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा। संकट का समय, क्या लगेगा कि यहूदियों का चारों ओर से घेरा जा चुका है, बहुत कुछ उनके विरुद्ध में होगा, यरूशलेम को ले लिया जाएगा, ये सब बातें, यरूशलेम को ले लिया जाएगा, ये सब बातें, संकट का समय है भारी। ऐसा लगेगा कि ये बहुत हो चुका है, जब मानो अब ये हारने वाले हैं। लिखा है कि दानियल 12:1-7 में लिखा है, जब अंतिम भाग पद में पढ़ता हूं, सातवीं आयत का, दानियल 12:7 का अंतिम पद, जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूरी होगी। क्या जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते, मतलब वो थक जाएंगे, वो हार मान लेंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा कि अब हमारा कोई उद्धार नहीं है, अब हम क्या होगा हमारा। उस समय जब प्रभु बचाएगा तब क्या क्या होने वाला है, दो तिहाई यहूदी लोग, दो तिहाई उस शहर के लोग वहां पर मारे जाएंगे। देखो जकरिया 13 में, जकरिया में इस लड़ाई के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ये अंतिम लड़ाई के बारे में बहुत कुछ वर्णन जकरिया में किया गया है। 13:1-9 उसी समय ऑन दैट टाइम दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि उस देश के सारे निवासियों की दो तिहाई मार डाली जाएगी। क्या लिखा है, इस देश के सारे निवासियों की दो तिहाई मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। लिखा है कि
दो तिहाई मार डाली जाएगी और जो बचे हुए लोग है, बची हुई एक तिहाई है, उसमें बनी रहेगी। और ये जो बचे हुए लोगों के लिए लिखा है यशाया 10वें अध्याय में 20 से 23 आयत में, उस समय इज़राइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इज़राइल का पवित्र है उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इज़राइल चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे लोग ही लौटेंगे, एक तिहाई लोग, दो तिहाई मारे जाएंगे। अब ये सब रेफरेंस जो हमने पढ़े हैं, ये बैटल ऑफ आर्मागेडन के, यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए लोग इकट्ठे हो गए हैं, है ना, सारी प्रजा इकट्ठी हो गई है, और अब सातवां कटोरा बिल्कुल उंडेले जाने पर है, प्रजा इकट्ठी हो चुकी है और सातवां कटोरा उंडेले जाने पर है। देखिए प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय और 14वीं आयत में इकट्ठे हुए हैं, पर 15वीं आयत 14वीं आयत में इकट्ठे कर रहे हैं और 16वीं आयत में इकट्ठे हो गए। प्रकाशित वाक्य 16 और 16 में आप देखोगे कि वो इकट्ठे हो चुके हैं, पर इसके बीच में यहां पर चर्च के लिए, कलीसिया के लिए एक रिमाइंडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु यहां आएंगे कि और रैप्चर हो जाएगा, नहीं, ये वो बात नहीं है, पर ये प्रभु यहां पर दिखा रहा है। देखो ये 16वां पद 15वां पद हम पढ़ते हैं, देख क्या लिखा है, देख क्या, देख मैं चोर की नाई आता हूं। अब देख मतलब ये सारी विपत्तियों को तुम देख लो, कलीसिया को प्रभु बोल रहा है, आज हमको प्रभु बोल रहा है कि इन सारी विपत्तियों को तुम देख लो, कितनी भारी विपत्तियां हैं। आपको पता हो तो वो फोड़े निकले, कितने लंबे समय तक वो फोड़े चले, वो फोड़े कम थे तो क्या हुआ, पानी लहू बन गया, अब पीने के लिए कुछ बचा नहीं है, शरीर में से भी लहू निकल रहा है और पीने के लिए भी लहू है। यार वो क्या हालत है, ऐसे समय की बात है। प्रभु नहीं चाहता है कि कलीसिया इस समय में जाए, प्रभु के लोग इसमें जाए, इसलिए वो उनका रैप्चर कर लेगा, और इसलिए यहां पर यह आयत दिखाई कि मैं चोर की नाई आता हूं। धन्य है, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। क्या लिखा है कि मैं चोर की नाई आता हूं, धन्य वो है जो जागता रहता है। वो आशीषित लोग होंगे जो ये विपत्तियां नहीं देखेंगे, उन सात मुहरों वाली, उन सात तुरहियों वाली और इन सात कटोरों वाली विपत्तियां धन्य है कि वो लोग नहीं देखेंगे। हालेलुया, प्रभु यहां पर एक रिमाइंडर दिला रहा है इनको कि मैं ऐसे आने वाला हूं, मैं इस प्रकार आने वाला हूं, और ये एक वार्निंग भी है कलीसिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए एक वार्निंग है प्यारो, कि हम सभी को जागते रहना है और अपने वस्त्र की चौकसी करना है। कौन से वस्त्र? उद्धार का वस्त्र। यशाया नबी का किताब 61:10 में लिखा है, उसके मुताबिक आप पढ़ेंगे 61:10, यशाया 61:10 क्या लिखा है वहां पर, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्या लिखा है? उद्धार के वस्त्र। जब हमने यीशु मसीह का अंगीकार किया तब हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया गया है प्यारो। उन वो जो जिनको फोड़े होंगे ना, जिन्होंने 666 की मार्क ली होगी, उस क्लेश काल के पीरियड की बात कर रहा हूं मैं,
इतने भारी फोड़े होंगे कि वो कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे, वो कपड़े भी नहीं पहन पाएंगे, इतना दर्द होगा। आप सोचो, ना वस्त्र है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो निर्वस्त्र हो जाएंगे उस समय, नहीं, और उनको ऐसा ही रहना पड़ेगा क्योंकि वो फोड़े उनको पीड़ा देंगे। और ऐसे समय में सूरज की गर्मी भी, और ऐसे समय में क्या होगा, दूसरा अंधियारा भी हो जाएगा, और ऐसे समय में पानी भी लहू हो जाएगा, तो क्या बचा फिर, कैसी भारी विपत्ति होगी उस समय। और उसमें न पड़ो, इसीलिए प्रभु यहां पर बोल रहा है कि अपने वस्त्र की जागते रहो और अपने वस्त्र की चौकसी करो। उद्धार का वस्त्र जो विश्वास से मिला है, और उस उद्धार के वस्त्र के ऊपर क्या लिखा है आगे, और धर्म की चादर, मतलब धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी, नहीं मतलब एक ऐसा वस्त्र है जो नहीं ओढ़ना है, जो इस वस्त्र के ऊपर पहना जाता है, वो है धार्मिकता की चादर। प्यारो, परमेश्वर ने उद्धार के वस्त्र भी दिए है आपको मुझे, और धार्मिकता की चादर भी ओढ़ाई हुई है, और हमें श्वेत वस्त्र प्रभु देंगे। कब? श्वेत वस्त्र जब हमारा रैप्चर हो जाएगा, नहीं उस समय प्रभु हमें जो वस्त्र पहनाएंगे वो रैप्चर की बात पवित्र, और उसके लिए जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है वो हमारे पवित्र चाल चलन की बात कर रहे हैं। क्या हमारे चाल चलन में हम पवित्र रहते हैं? हमारी आंखें क्या देखती है? मोबाइल में क्या देखती है? टीवी में क्या देखती है? बाहर जाते हैं तब क्या देखती है? हमारी आंखें क्या देखती है प्यारो? लुभावनी चीजें जो हमें आकर्षित करती है, व्यभिचारी नजरें। अरे प्यारो, अपनी आंखों के लिए अय्यूब बोलता है कि मैंने मेरी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर दृष्टि ना करूं। पवित्र चाल चलन की बात प्रभु कर रहा है प्यारो, जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। प्यारो, श्वेत वस्त्र, क्या आप चाल चलन में पवित्र बने रहे हो? स्तुति का वस्त्र ओढ़ना प्यारो, दुख वेदना को लेकर परमेश्वर ने, उस कल्पांत को लेकर परमेश्वर ने स्तुति का वस्त्र दिया है, आनंद के तेल से अभिषिक्त किया है। क्या हम स्तुति करते हैं आज भी, कि आज भी कुड़कुड़ा रहे हैं? प्यारो, चेक कीजिए अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, क्या हो रहा है आपके परिवार में, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आपके वस्त्रों को आपने संभाला हुआ है कि नहीं, कि उस पर दाग लगे हुए हैं। एक और वस्त्र प्रभु विश्वासियों को देने वाला है, और वो है महिमा के वस्त्र, जो है महिमामय देह की बात परमेश्वर कर रहा है, महिमावंत शरीर की बात कर रहा है परमेश्वर। जब रैप्चर होगा तब शरीर का रूपांतर हो जाएगा, और वो शरीर महिमावंत शरीर में परिवर्तित तो हो जाएगी। और पांचवा इन सब वस्त्रों से श्रेष्ठ वस्त्र है, और वो है विवाह का वस्त्र। प्रकाशित वाक्य 19 और 7 और 8 में ये बात लिखी गई है, ये आने वाले समय में हम देखने वाले इसको, विवाह का वस्त्र। जो विश्व जो हमारे परिश्रम और विश्वास के कामों के आधार पर है, यह वस्त्र हमें हमारे लिए, इसकी डिटेल में हम आने वाले समय में अभ्यास करने वाले हैं। पर प्यारो, यह एक रिमाइंडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि रैप्चर, जो पहला जो रैप्चर है, यीशु मसीह जो बादलों पर उठा लेंगे विश्वासी को, वो यहां पर होगा, वो ये बात नहीं बता रहा है। पर यहां प्रभु याद दिला रहे, ऐसी रिमाइंडर प्रकाशित वाक्य में आपको बार बार बीच बीच में मिलती है। इवन प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में भी आपको देखने मिलेगा कि देख मैं आ रहा हूं, शीघ्र ही आ रहा हूं, मेरे ख्याल से 22 अध्याय में आपको। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वापिस सब पूरा हो जाएगा, वापिस फिर से आएंगे, नहीं, ये एक रिमाइंडर के रूप में यहां पर बीच में रखा गया है। जब छठा कटोरा और सातवां कटोरा के बीच में ये बात को रखा है परमेश्वर ने। अब देखिए यहां पर जो लड़ाई होने वाली है, एग्जिट सातवां कटोरा जब उंडेल आ जाएगा, मेरे साथ आप 16 अध्याय और 17 आयत पढ़े, देखो, सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से
यह बड़ा शब्द हुआ हो चुका। अब एक मिनट, 15वें अध्याय की अंतिम पद पढ़े, 15वां अध्याय और अंतिम पद प्रकाशित वाक्य क्या लिखा है? प्रकोप के सात कटोरे उंडे ले जाए उससे पहले की बात है। ये प्रकोप के सात कटोरे सात दूतों को दे दिए गए हैं और अब ये दूत सात कटोरे उंडेलने जा रहे, वो बात है यहां 15वां अध्याय जो हमने अभ्यास किया था। यहां पर क्या लिखा है? आठवां पद 15वां अध्याय और आठवां पद, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां, सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां, सातों विपत्तियां, हम छह विपत्ति पूरी किए हैं, सातवीं विपत्ति है सातवां कटोरा। यहां क्या लिखा है 15 और 8 में? सातों विपत्तियां समाप्त न हुई तब तक मंदिर में कोई जा न सका, मंदिर धुएं से भर गया। अब देखो 16वां अध्याय और 17वीं आयत क्या हुआ? स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ हो चुका। वहां पर 15वें अध्याय 8वें पद में अंतिम पद में लिखा है कोई प्रवेश न कर सका, धुएं से भर गया। और अब यहां पर जब कब तक वो ऐसा रहेगा? जब सातों विपत्तियां पूरी नहीं हो जाती हैं। तो जब सातवां कटोरा उंडेला गया तब ये बड़ा शब्द मंदिर में हुआ और वो था मंदिर के सिंहासन से ये शब्द हुआ हो चुका, इट इज डन। मतलब परमेश्वर का न्याय का काम पूरा हो चुका, सात विपत्तियां पूरी हो चुकी, पर अभी हम सातवीं विपत्ति पर आए हुए हैं। अब देखिए ये एग्जैक्ट, ये सातवीं विपत्ति का जो समय है वो बैटल ऑफ आर्मागेडन है। संसार की सब जातियां इकट्ठी हुई है, लड़ाई करने के लिए यहां पर आई हुई है। ख्रिस्त विरोधी की सेना सब इज़राइल को घेरे हुए है और तब ये सातवां कटोरा जब उंडेला जा रहा है यहां पर आर्मागेडन बैटल शुरू हो रहा है। हर मग्गीदोन की लड़ाई यहां पर शुरू हो रही है और इसके अलग अलग तबके हैं, अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग एस्पेक्ट से, और उसमें ये लड़ाई पूरी होती है। मतलब सातवीं विपत्ति पूरी कब होगी? जब ये लड़ाई पूरी होगी। हाँ, ये लड़ाई पूरी कैसे होगी ये हम आज सीख रहे हैं, आज के दिन में इसमें से और आने वाले वीक में भी इसमें से ही हम सीखने वाले बैटल ऑफ आर्मागेडन। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जब सातवां कटोरा उंडेला गया यहीं पर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा, यहीं पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। और ये कैसे होगा ये भी अलग अलग स्टेजेस पर है। इसको समझने के लिए जब हम अलग अलग पद पढ़ते तो के भाई यहां पर भी है, यहां पर एक जगह भूकंप हुआ है, यहां पर ऐसा हुआ है, तो गर्जन हुआ है, इधर ओले गिरे हैं, तो ये सब क्या है? कभी इधर है कभी इधर है, तो ये सब क्या है? कभी यरूशलेम के सामने है कभी यहूदा की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? नहीं, तो ये अलग अलग स्टेज वाइज ये बैटल आगे बढ़ता है। नहीं, पहले यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर। आपको पता हो तो जैसे यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी हुई तो कैसे हुई? नहीं, ये लोग बोलते कि भाई नाजरेत में से तो कैसे होगा, पर जबकि मसीहा पला बड़ा का नाजरेत में नहीं, पला बड़ा नहीं, और इसलिए यहूदी लोग नाजरेत में से मसीहा आएगा ये बात स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो तो यही बात बोलते हैं कि भाई ऐसा होगा। तो हम इस बात को देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सातवां कटोरा, प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय, और मेरे ख्याल से 10-15 मिनट आज हम और देखकर इसको पूरा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय और 17 से 21 में ये सातवें कटोरे की विपत्ति के बारे में लिखा गया है। देखिए क्या लिखा है,
और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। अब यह सातवें कटोरा जब उंडेला गया तब उसकी आफ्टर इफेक्ट्स, उसके बाद में क्या क्या हुआ, तो वो 18 से लिखा है। फिर क्या हुआ, तो बिजलियां और शब्द। अभी मैंने बोला था कि ये ध्यान रखना ये शब्द क्या है, बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए। लिखा है ना कि सियोन से गर्जेगा, यहोवा सियोन से गर्जेगा, बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूइडोल मतलब भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा भूकंप कभी ना हुआ था। ओ माय गॉड, आप सोचो इतना बड़ा भारी भूकंप होने वाला है जब यीशु मसीह अपनी प्रजा को बचाने के लिए वहां पर आएंगे। और क्या हुआ, भूकंप हुआ और बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए। उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए जिसको घेर लिया गया था सारी जाति ने, और जाति जाति के नगर गिर पड़े। जाति जाति के दूसरे जो नगर थे वो पूरे विश्व की बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा भूकंप होगा कि जिसकी असर वर्ल्ड वाइड होगी, बड़े पैमाने पर होगी, वैश्विक असर होगी इसकी पूरी। और लिखा है और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की जल जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। अब आपको ध्यान में आएगा प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय, ये दोनों अध्याय इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों अध्याय इसके बाद में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सात कटोरे पूरे होंगे। इसके बाद में 17वां अध्याय में बड़ी वेश्या के बारे में लिखा है और 18वें अध्याय में बाबिल के पतन के बारे में लिखा है, मतलब ये दो घटनाएं बाद में होगी ये सात कटोरे, ना ये ऐसा नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज, अपने आप को नहीं ज्यादा कंफ्यूज मत होने दीजिए। ये दोनों घटनाएं, ये दोनों अध्याय, ये कटोरे की विपत्ति के साथ जुड़े हुए हैं प्यार। ये कटोरे की विपत्ति, अगर आपको पता हो तो पांचवा कटोरा उंडेला तो कैसे क्या हुआ था, उस सिंहासन पर उंडेला गया और वहां अंधेरा छा गया। अब वो सिंहासन किसका था, एंटी क्राइस्ट का था, और उसका साम्राज्य क्या बोला गया, बाबिल। तो मतलब यहां पर ये बैटल ऑफ आर्मागेडन में ये सब बातें शामिल है, है ना, कि बाबिल के साम्राज्य ऊपर प्रभु का न्याय जाहिर हो रहा है, क्रोध जाहिर हो रहा है। ओके, तो ये कटोरे का जो न्याय 16वें अध्याय में है वो और 19वां अध्याय बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर 16वें अध्याय के बाद में क्या हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किस प्रकार से, मतलब स्वर्गीय नजरों से देखा जाए तो स्वर्ग में पहले क्या होगा, ये बैटल ऑफ आर्मागेडन लड़ा जाए उससे पहले स्वर्ग में कुछ होगा, तो वो यहां पर हमने छठे कटोरे में पृथ्वी पर की तैयारी देखी आर्मागेडन लड़ाई की, पर 19वें अध्याय में स्वर्ग में जो तैयारी हो रही है वो लिख बताया गया है। 19वें अध्याय में शुरुआत की कुछ आयतों में ये बात बताई गई, वो हम देखने वाले, वो भी ये लड़ाई का एक भाग है। मतलब 16वां अध्याय के बाद तुरंत मानो कि 19वां अध्याय जुड़ा हुआ एक उसके साथ, ये समझ, इस समझ के साथ आप पढ़ोगे तो आपको प्रकाशित वाक्य बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं? कि भाई ये क्या हुआ, ये विपत्तियों के साथ ये लड़ाई जुड़ी हुई, सातवीं विपत्ति ये अंतिम लड़ाई वाली विपत्ति। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, भूकंप के बाद क्या हुआ, ऐसा भूकंप हुआ कि जो कभी न हुआ था। 19वां पद, और उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की जल जलाहट की मदिरा उसे पी लाए और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया। हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, मालदीव्स ने क्या क्या न जाने कितने, मॉरिशियस ने कैसे कितने सारे टापू है, पापुआ न्यू गिनी ने ये सब टापू, मतलब टापू रहे ही नहीं। आप सोचो वो भूकंप कितना भारी होगा, आप सोचो
टापू कहां पर होता? समुंदर में। वो समुंदर कैसा होगा? ऑलरेडी वो लाल बन चुका होगा, पूरा लहू से भरा हुआ, और उसमें भी ये बात होगी कि भूकंप आएगा, वो टापू भी नहीं रहेंगे। लिखा है कि जाति जाति के नगर गिर पड़े। प्रभु ऐसा हिला रहा है, ऐसा हिला रहा है, ऐसा झटक रहा है मानो कि उनके क्रोध की जल जलाहट पूरी जारी कर दी है। लिखा है और पहाड़ों का पता न लगा, और पहाड़ों का पता न लगा। आप सोचो प्यारो, जिस माउंट आबू पर आप घूमने जाते हो, कहीं कहीं कोई ऊटी पर घूमने जाता है, कहीं कोई इस पहाड़ पर जाता है, एक भी पहाड़ का एड्रेस नहीं मिलने वाला है, सारे पहाड़ गायब। इतना भारी भूकंप होगा कि एक भी पहाड़ नहीं मिलेगा। हाँ, और आकाश से दूसरा क्या हुआ? आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे। अब आप देखो, पहाड़ एक भी पहाड़ नहीं बचा तो क्या आपका घर बचेगा? आपका बड़ा, आपकी बड़ी बिल्डिंग क्या बचेगी? जो बड़े बड़े धनी लोगों ने बड़े बड़े घर बंगले बनाए, क्या वो बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, सब गिरा दिया जाएगा। पर प्यारो, प्रभु ने हमारे लिए घर बना दिया। हालेलुया, हमारे लिए घर ऑलरेडी प्रभु बना चुके हैं, नहीं वो बनाकर ले जाएंगे। उन्होंने क्या बोला था? मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जगह तैयार हो जाएगी तब मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। मतलब ये विपत्तियां शुरू हो उससे पहले मैं तुम्हें आपके बनाए हुए, आपके लिए तैयार किए हुए घर में मैं ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, आपका नया घर नहीं, परमेश्वर तैयार कर रहा है प्यारो, इन दिनों की बात अगर हम करें तो। क्योंकि जब हो जाएगा तब वो आ जाएगा, और इसकी इसी के लिए हमें हमारे वस्त्रों की चौकसी करना है और जागते रहना है। मैन आमेन, हालेलुया। नहीं तो फिर हम वो बड़े बड़े फोड़ों के साथ लहू पीते पीते, क्योंकि पानी तो होगा नहीं, लहू ही पीना पड़ेगा, लहू पीते पीते और वो गर्मी इसके झुलसते झुलसते वो दिन बिताने पड़ेंगे, और उसमें भी भूकंप आ जाएगा, आपका कुछ बचेगा ही नहीं प्यारो। आपको लगेगा भाई, जिस बड़े सम्राट की छाप हमने ली है, 666 की छाप जो हमने ली है, अरे वो भी कोई काम में नहीं आएगी प्यारो। इसीलिए ये समय है कि जागते रहे और अपने वस्त्रों की चौकसी करे, दाग न लगने दे, पापमय जीवन से दूर रहे, अपने आप को पाप से अलग रखे प्यारो, अपने चाल चलन को पवित्र बनाइए, अपने वस्त्रों को, जो बाहरी वस्त्र है ना, वो भी ऐसे पहने कि जिससे कोई व्यभिचारी नजर भी ना करे आपके ऊपर। प्यारो, आप अपने जीवन को गंभीरता से लीजिएगा। मुझे पता नहीं मैं क्यों इस बारी आवाज में आपसे बात कर रहा हूं, पर प्यारो प्लीज प्लीज इस बात पर गौर कीजिए आप, क्या हुआ वहां पर। और हर एक टापू अपनी जगह से हल टल गया, और पहाड़ों का पता न लगा, और आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे, इसलिए कि यह विपत्ति बहुत भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। एंटायर प्लेनेट, पूरा पृथ्वी, मतलब चेंज हो जाएगा, जो पहले था वैसा नहीं रहेगा। मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बढ़िया भूकंप कभी न हुआ था, ऐसा भूकंप उस समय होगा प्यारो। उस समय में न्यूक्लियर होलोकॉस्ट हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी वो ही समय में हो, क्योंकि आप देखो सभी देशों के लोग वहां पर, सभी देशों के लोग, सभी एंटीक्राइस्ट ने जिनको नहीं भरमाए, वो सभी लोग वहां पर, पूर्व के देश ने सभी लोग वहां पर घेर चुके होंगे, और आखिर में क्या होगा वहां पर? आप कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा, ये तो न्यूक्लियर, ऐसा तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने पर ही हो सकता है, अगर हम आगे हम रेफरेंस पढ़ेंगे। आपको पता है सभी देशों के मिलाकर आज कितने परमाणु बम है? 13,850। सभी देशों के मिलाए जाए तो 13,850 बम है। सबसे ज्यादा रशिया के पास है, उसके बाद अमेरिका के पास है, और कुछ तो इन्होंने यही जो आर्मागेडन वाला जो इलाका है ना, उस वो मिडल ईस्ट कंट्रीज है, आगे ईरान है, इराक है,
नहीं ऊपर सीरिया है, ऐसे कुछ देशों में कुछ तो परमाणु बम वहां पर रखे हुए हैं। हाँ तो ये सब कुछ उस समय में होने वाला है। कैसा समय होगा आप सोचो प्यारे। हम भूकंप के बारे में थोड़ा गौर करना चाहेंगे। बड़ा भूकंप, बड़े नगर के 3 टुकड़े, जाति जाति के नगर गिर पड़े। अब आप देखो इज़ेकियल 38 और 20 आयत पढ़े। इज़ेकियल 38 और 20 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मेरे दर्शन से, मतलब यीशु के आगमन के समय की बात है, समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयां नष्ट होगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएगी। सब दीवार, एवरी वॉल, हर एक दीवार, एक भी दीवार नहीं बचेगी। यस, एक भी दीवार नहीं बचेगी। देखो जब यीशु आएंगे तो किस प्रकार उनका आना होगा। अब ये भूकंप यहां पर इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है कि यीशु मसीह जखारिया 14वां अध्याय 1-9 आयत देखिए। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। अब आपको पता हो तो लूका रचित सुसमाचार 20 और 20 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या बोला था यीशु मसीह ने, कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। क्या लिखा है? उसका उजड़ जाना, अभी हमने पढ़ा दो तिहाई नष्ट हो जाएंगे, उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो, क्या हो? यहूदिया में हो, वह पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो, क्या लिखा है, वे बाहर निकल जाए, और जो गांवों में हो वे उसमें न जाए। अब प्यारो उस समय क्लेश काल के समय में जो लोग यीशु को अपनाए हुए होंगे, जो लोग यीशु पर विश्वास किए होंगे, जो यहूदियों ने विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर किया होगा, वो विश्वासी की बात मैं कर रहा हूं कि वो लोग तो ये बात समझ जाएंगे कि हमें जब घेरा जा चुका होगा तब हमें कहां भागना, जब हमें लोग घेर लेंगे तब हमें कहां भागना है, जब सेनाएं हमें घेर लेगी तब हमें कहां भाग जाना है। क्या लिखा है? यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। कहां भाग जाए? पहाड़ों पर। और लिखा है क्या होगा बाद में, और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। बहुत भारी, मतलब वहां पर खराब कार्य हो जाएंगे। वहां पर वह नगर ले लिया जाएगा, घर लूटे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी, और नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, आधे लोग वहां पर उनको पकड़ लिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। अब देखो यीशु मसीह जैतून पर्वत पर वहां पर पांव रखेंगे। आपको पता हो तो जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण कहां से हुआ था? जैतून पर्वत पर। वहां पर चेले थे और चेलों ने यीशु को ऊपर जाते हुए देखा था बादलों के साथ। फिर स्वर्गदूत वहां से आए और चेलों के पास आकर उन्होंने क्या बोला, क्या बोला कि जैसे ही आप बादलों में इसको, परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को उठाते हुए देख रहे हो, वैसे ही उसका वापिस आना होगा। वैसे ही देखोगे, वैसे ही जैतून पर्वत पर वो आएंगे, और जब जिस दिन वो आएंगे, वो आर्मागेडन लड़ाई का जो बात कर रहे हैं हम, वो उस समय की बात है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वहां पर क्या होगा, वो जैतून पर्वत पर जब पांव रखेंगे एक बड़ा भूकंप आ जाएगा। देखो ये पद पढ़ो आप, 3 आयत। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव रखेगा,
मतलब जैतून पर्वत पर पांव धरेगा, जो पूरब और यरूशलेम के सामने, मतलब यरूशलेम के सामने क्या भाग आता है, यहोशापात की तराई आती है, मतलब वो ही पार्ट, लड़ाई वाला पार्ट। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा, पूरब से पश्चिम तक। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा, आधा उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। प्यारो, कितना भारी भूकंप होगा, इतनी बड़ी गैप बीच में हो जाएगी कि जिसमें से प्रजा की प्रजाएं वहां से भागेगी। देखो यहां पर एक और चित्र आपके सामने है और वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। यहां पर ये कर्सर मैं घुमा रहा हूं, आपको ध्यान में आए तो, ये अमेरिका का जो खंड, जो बोलते हैं अमेरिका खंड, ये वो पार्ट है, ये इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स है। नहीं, ये साउथ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, यहाँ अफ्रीका है उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स है, और यहाँ पर ये दूसरी यूरोप की, यूरोप खंड जो बोलते हैं, उसकी पूरी टेक्टोनिक प्लेट्स है, और यहाँ पर जो बीच में है, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज ने ये सब आता है, ये जो पार्ट है ये उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स है। यहां पर आपको कर्सर दिख रहा है, यहां पर ये जैतून पर्वत है, यहां पर ये जैतून पर्वत है, दिख रहा है, यहां पर आप देखो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जुड़ी हुई है। आप देखो कितनी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स का कनेक्शन इसके साथ है, बिल्कुल ये जोड़ है वहां पर जैतून पर्वत है। आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा, ये यूरोप की टेक्टोनिक प्लेट यहां है, अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट यहां जुड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलेशिया की यहां पर जुड़ी हुई है, अमेरिका की यहां जुड़ी हुई है, ये सब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे। अब ये जो बड़ा आएगा तो इन सबको नहीं हिलाएगा क्या, क्या हालत होगी प्यारो? इसलिए लिखा है कि जाति, एक भी दीवार खड़ी नहीं रहेगी, जाति जाति की नगर मतलब गिर जाएंगे। कितनी भयानक, कितना भयानक भूकंप होगा प्यारो। ये भूकंप कैसे आता है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ, जैसे ये मेरी उंगलियां आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसे जुड़ी हुई है। आप आपके दोनों हाथ को एक दूसरे की उंगली पर जोड़िए मेरे साथ कीजिए, मैं बताता हूं। अब आप दोनों पर जोर लगाइए, दोनों हाथ से जोर एक दूसरे की ओर लगाइए, एक दूसरे की ओर जोर लगे, क्या हुआ, ऐसे हो गया ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ आज के समय में इस प्रकार से जोर के साथ, एक बल के साथ जुड़ी हुई है। अब ये बल इतना, ये फोर्स जब बढ़ जाता है तब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है, और उसके वजह से क्या होता है पता है, भूकंप आता है। और पर उस समय इतना भारी भूकंप होगा, यीशु मसीह के पांव रखने के द्वारा वहां पर आएगा और पूरा विश्व हिल जाएगा। क्या लिखा है, जखरिया 14:5-9 में, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। प्यारो, भूकंप भी एक साइन है, आने वाले समय में अगर मौका मिला तो भूकंप के ऊपर भी एक पूरा अभ्यास बाइबल में, कि जब जब भूकंप आया, क्यों भूकंप आया और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, नहीं ये इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पर यहां पर देखिए क्या हुआ, तब क्या होगा, ऐसा भूकंप कि जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था, और उस समय जैसे भागे थे वैसे ही तुम इस भूकंप के दौरान भागोगे। ठीक है, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे, उस समय कुछ उजियाला न रहेगा क्योंकि ज्योति गण सिमट जाएंगे, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है, न तो दिन होगा न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा, उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा
उसकी एक शाखा पूरब से, पूरब के ताल मतलब जो डेड सी है वहां, और दूसरी शाखा पश्चिम के समुद्र भूमध्य की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। मतलब ये सारी पृथ्वी का राजा हो जाने की जो घटना है वो मिलेनियम की शुरुआत बताता है, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होने की बात बताता है कि सारी पृथ्वी का राजा तब इस घटना इस लड़ाई के बाद में जो जजमेंट होने वाला है वो ये सब बाद में ये बात होने वाली है। एक और पद यहां पर ये भूकंप के बाद एक दूसरी बात क्या हुई थी आफ्टर इफेक्ट्स सातवें कटोरे की, मन मन भर के बड़े ओले, मन मन भर के बड़े ओले गिरे। ये आखिरी स्टडी पूरी करेंगे हम। ये क्या बताता है पता है, ये परमेश्वर की शिक्षा है, पनिशमेंट फॉर ब्लास्टिंग गॉड। मतलब परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया था इन लोगों ने, निंदा की परमेश्वर की, कड़े शब्द परमेश्वर को बोले इन सब विपत्तियों की परेशानियों की वजह से। और इसके शिक्षा के रूप में ये ओले आए। देखो लेविटिकस आप निकाले, लेवियों की किताब 24वां अध्याय क्या बताता है, ये ओले गिरना क्या बताता है, 24वां अध्याय और 16वीं आयत पढ़े। देखिए, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करे, चाहे देशी हो चाहे परदेशी, यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। मतलब ये पुराने नियम में परमेश्वर के विरुद्ध दुर्भाषण या तो उनकी निंदा करने के लिए जो शिक्षा जुड़ी थी और वो थी पथराव करना, बोले पथराव करना। यहां पर क्या हो रहा है, आकाश से पथराव हो रहा है, ओले गिर रहे। यहोशू की किताब निकाले 10वां अध्याय, यहोशू 10 और 11 से 14 आयत पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहां पर, फिर जब वे एमोरियों पर जब विजय यहोशू और इजरायली प्रजा जब कर रही थी तब क्या हुआ, यहां पर ये बात लिखी है कि फिर जब वे इजरायलियों के सामने से भागकर बेथोरन की उतराई पर आए तब अजे के पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए। उस लड़ाई में जो एमोरियों पर विजय पाया गया था, नहीं तो उस लड़ाई में क्या परमेश्वर लड़ा था और कैसे, आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। और लिखा है जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। मतलब परमेश्वर ने खुद ये लड़ाई उस समय में लड़ी थी, वैसी ही ये अंतिम समय में वो लड़ेंगे। और इसमें अगर आप 13वीं आए चौदहवीं आयत का अंत पद पढ़ते हैं, न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इसराइल की ओर से लड़ता था। ये लड़ाई परमेश्वर की है, बैटल ऑफ आर्मागेडन में यह भी होने वाला है, आकाश से बड़े ओले गिरेंगे। निर्गमन की किताब में आप निकालो तो वहां पर भी यही बात, जब वो इसराइलाइट्स को वहां से छुड़ाया जा रहा था तब जो विपत्तियां आई थी उसमें यह भी एक विपत्ति थी कि ओले गिरे थे, पर वो ओले उस समय इजरायली लोग जहां जो गोशेन प्रांत में रहते थे वहां पर ओले नहीं गिरे थे। ये ओले कैसे पता है, अमेरिकन हिस्ट्री में जो सबसे बड़े ओले आज तक गिरे हैं वो थे 8 इंच की गोलाई के, जिसका व्यास था 8 इंच और उसका वजन था 1.9 पाउंड था। और यह घटना, ये ओले गिरने की घटना अमेरिका में 23 जून 2010 में हुई थी। 23 जून 2010 आपके सामने स्क्रीन है, देखो कितना बड़ा
वो ओला है, 8 इंच का, 8 इंच का ओला देखा कभी आपने? क्या ये बड़ा ओला उस समय वहां अमेरिका में गिरा था, ऐसी ओलों की बारिश हुई थी वहां, और भारी मात्रा में बहुत सारे लोग मरे भी थे, बहुत नुकसान भी हुआ था। अब आपको मैं बताऊं तो दूसरे ऐसे हेलस्टोम मतलब ओलों की बारिश कहां कहां हुई थी और कैसी घातक पूर्वा थी, 1986 में बांग्लादेश में हुई थी, और उस वजह से 92 लोग 92 पीपल डाइड, नहीं वो लोग मारे गए थे। उसके बाद बांग्लादेश में ही 1888 में हुआ था, जब उसके पहले 1888 में उसमें 246 लोग मारे गए थे, कितने? 246 लोग मारे गए थे। और ये जो ओले थे 2.25 पाउंड्स के थे। अब मैं आपको बताऊं तो एक ओले का वजन यहां पर कौन सा बताया गया है, क्या लिखा है? मन मन भर के ओले। आप पता है इंग्लिश बाइबल में इसके लिए क्या लिखा है? ग्रीक बाइबल में वहां पर जो वेट है उसके लिए लिखा है अ टैलेंट। टैलेंट जो वजन का माप करने का आता है, हम किलोग्राम ग्राम में वेट करते हैं उस समय की, तो अभी वहां पर टैलेंट इस्तेमाल होते हैं, टैलेंट। तो एक टैलेंट सिल्वर के लिए एक टैलेंट होता था 100 पाउंड, जिसका वजन होता था 45 किलो, 45 केजी। और सोने का टैलेंट होता था तो उसका होता था 91 केजी, 200 पाउंड। और एक टैलेंट के लिए अगर और भी चौकसाई से इसका नाप निकाला जाए तो इसका नाप 34 या 30 किलो भी लोग, कुछ लोग बोलते हैं। मतलब आप सोचो अप्रोक्सीमेट 40 किलो के मन मन, एक मन 20 किलो, दूसरा मन दूसरा 20 किलो, मतलब 40 किलो के बड़े ओले गिरते हैं, क्या कोई बचेगा प्यार? क्या बचेगा कोई प्यारो? इतनी भयानक, जो प्रभु ने हिलाए हिलाए हिलाई पृथ्वी को, भूकंप से हिलाया हिलाया, और जो बच गए वो, उनको प्रभु ने बोला अब पत्थर मार के इनको मारे। आप सोचो प्यारो परमेश्वर का क्रोध कितना बड़ा उस समय उन्होंने जारी किया। हालेलुया, प्रभु हमारा प्रभु न्याय करने वाला प्रभु है प्यारो। प्रभु को गुस्सा आया और उन्होंने ये कर डाला, वो नहीं है, ये परमेश्वर का न्याय है प्यारो। क्योंकि अगर कुछ बुराई है तो उसका फल भी है, तो यहां पर ये बात प्यारो हुई है। सातवां कटोरा ये बैटल ऑफ आर्मागेडन की बात कर रहे हैं और उसमें ये घटनाएं घट रही है। इतने बड़े बड़े ओले आप सोच सकते हो प्यारो, इतने बड़े ओले प्यारो। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, यहाँ पर हमारी आज की बाइबल स्टडी हम पूरी करते हैं, पर मैं आपसे प्रश्न करता हूं प्यारो, क्या आप इस समय में से होकर गुजरना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि इस समय में से आप गुजरो? तो आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी लो। पर अगर आप नहीं चाहते हो कि इस समय में नहीं गुजरे, तो अपनी जिंदगी को उसकी मर्जी से जियो, उसकी इच्छा के मुताबिक जियो, वो जो चाहता है वैसे करो। अपने वस्त्रों को तैयार करो, अपने वस्त्रों को संभालो, अपने वस्त्रों को की चौकसी करो कि उस पर दाग न लगे, उस पर धब्बे न लगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जैसा वो पवित्र है वैसा ही हमें हर प्रकार से, हर एक आचरण में हमें पवित्र बनना है, पवित्रता में चलना है। अगर वो पवित्र है तो हमें भी हर बात में पवित्रता में बढ़ना है प्यारो। माफी न देना भी एक अपवित्रता है, पता है आपको? माफी न देना भी, ऐसा बाइबल में लिखा है कि अगर मैं सब कुछ करता हूं पर मेरे भाई के प्रति मैं द्वेष रखता हूं
तो क्या है वो? मैं अंधकार में हूं, मैं उजाले में नहीं आया हूं, जबकि हमें तो ज्योति की संतान, मतलब यीशु की संतान हूं मैं, तो मैं उजाले में आया हूं। पर वो अंधेरे में है जो ये कहता है कि मैं यीशु से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखता है। आप में कोई ऐसा है कि जो अपने विश्वासी भाइयों पर बैर रखता है? आप में कोई है ऐसा कि जो विश्व में कोई किसी पर बैर रखता हो, कोई दूसरी कलीसिया पर बैर रखता है? प्यारो, अगर आप बैर रखते हो तो अभी भी आप अंधकार में हो। आज ही पश्चाताप करें, आज ही अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी मर्जी से जीवन जीकर, अपनी मन मर्जी से पर चलकर जो मुंह में आया वो बक दिया, जिसका चाहा उसका अपमान कर डाला, जिसको जो भाषा में बोलना था बोल दिया, जिसको जो गाली बोलनी थी बोल दी, जो नजर करना था वो कर दिया, जिसके बारे में जो सोचना था वो सोच लिया, और आप बोलते हो कि हम तो प्रभु की आराधना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप करते हैं। आप अंधकार में हो। अपने वस्त्रों की चौकसी करो, दागों को साफ करो, परमेश्वर यीशु मसीह जल्द आ रहा है। जागते हो, अपने आप को सोए हुए मत रखो, क्योंकि सोए हुए को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। आपको पता नहीं चलता है क्या? हमें पता नहीं चलता है कि हम माफी भी नहीं देते किसी को, और हम प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु की सेवा भी करते हैं। हम किस प्रकार के लोग हैं प्यार? आइए अपने आप को जांचे, और ये पश्चाताप का समय मैं आपके सामने रखता हूं। ये सातों विपत्तियां यहां पूरी होती हुई यहां पर बताई है, इनके लिए पश्चाताप का कोई समय न था, पर प्रभु यीशु मसीह अभी भी आए नहीं है। अभी रैप्चर नहीं हुआ है, तब तक हमारे लिए, हमारे पास अनुग्रह का समय है, परमेश्वर को महिमा देता हुआ भाता हुआ जीवन जीने का समय है, अपनी मर्जी नहीं पर उसकी मर्जी पर चलने का समय है। प्यारो, क्या चिन्ह और चमत्कार ही चाहते हो आप? उसके पीछे ही भागते रहना है आपको? चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे तो क्या यीशु आपका प्रभु नहीं रहेगा? क्या आपका जीवन में संकट ही संकट आएंगे तो क्या यीशु आपका प्रभु नहीं रहेगा? क्या ये तो थोड़े दिन के संकट है प्यारो, इस क्लेश काल की बात करो आप। आप सोचो कितने भारी संकट में से गुजरना पड़ेगा अगर आप यीशु को छोड़ दोगे तो, यीशु को नकार दोगे तो कितने भारी संकट में से गुजरना पड़ेगा। थामे रहिए यीशु को, विश्वास योग्य बने रहिए, सच्चे बने रहिए आप। आपने कोई प्रतिज्ञा यीशु को की है तो उसको पूरी कीजिए। आपका समर्पण याद करें कि आपने किस क्या समर्पण किया था प्रभु यीशु के लिए, कौन सी सेवा करने देने का वायदा किया था। आइए प्रभु के पास जाते हैं, अपने मन को प्रभु के आगे खोलकर प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर, मैंने कहीं ना कहीं आपके मन को दुखाया है प्रभु, मेरे चाल चलन से अपवित्रता झलकी है प्रभु, मेरी आंखों से, मेरे विचारों से, मेरे आचरण से अपवित्रता झलकी है प्रभु, तू मुझे माफ कर प्रभु, मेरे उद्धार के वस्त्रों को प्रभु मैंने प्रभु संभाला नहीं है परमेश्वर, मेरे उद्धार के वस्त्रों पर पाप के दाग लगने दिए है प्रभु, तू मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, आप मांगे, माफी मांगे, यीशु तेरे लहू से धो दे। आज भी वो झरना बहता है जिससे आपके दाग, आपके पाप, आपके वस्त्र पर लगे पाप के दाग धुल जाएंगे। वो सोता बहता है प्यारो, वो सोता बहता है जो कलवरी से फूट निकला है, आज भी वो बहता है, यीशु तेरे बहाए पवित्र लहू से धो दे प्रभु, धो दे परमेश्वर। हम मांगते परमेश्वर, हम हमारे आचरणों के प्रति और भी हम गंभीर बने प्रभु, हमारी एक एक चाल के प्रति हम गंभीर बने, हमारे बोलने पर, हमारे सोचने के प्रति हम गंभीर बने प्रभु। हम मांगते परमेश्वर, हमारे जीवन का इस्तेमाल करने के प्रति हम गंभीर बने, हमारे जीवन का चुनाव करने के प्रति हम गंभीर बने परमेश्वर, हमारे जीवन के फैसले करने के प्रति हम गंभीर बने परमेश्वर। ओ प्रभु, हम वो चुने जो आपने हमारे लिए चुना है, हम वो ना चुने जो हमारी मन मर्जी हम चुन ले, हम वो न चुने जो आपने नहीं चुना है प्रभु। हम मांगते परमेश्वर, जो आपने चुना है, जो आप देना चाहते हो, वो ही हम लेना चाहते प्रभु। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम एक एक समर्पित, एक पवित्र और आपको भालता हुआ जीवन जिए परमेश्वर।
पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक के रूप में हमें हमारे जीवन में आपने आप भेज दिए गए हो, हमारी सहायता करें ताकि हम यीशु की मर्जी पर चल सके, हम विश्वास योग्य और सच्चे ठहरे और ऐसे प्रभु के बेटे बेटियां और दास बने जो विश्वास योग्य और सच्चे है। प्रभु हम आपकी ओर हमारे जीवन को लाते, प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु हमें जागते रहने के लिए और हमारे वस्त्र की चौकसी करने के लिए हमें और भी अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें आपने ये अनुग्रह दिया कि हम सीखे समझे और इन प्रकाशित वाक्य की इन बातों को और भी गहराई से समझ पाए। आपने ये अनुग्रह दिया है, हम आपका बहुत धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके आभारी है प्रभु, ये मौका आपने हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में दिया है परमेश्वर। प्रभु ऐसे समयों में आपने हमें दिया है जिसमें परमेश्वर हम आपके और से बहुत कुछ पा सके। परमेश्वर इन आत्मिक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी आने वाले समय में हम सीखना चाहते हैं, प्रभु हमसे व्यवहार जारी रखें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, इसे कबूल करें। यीशु के नाम में सभी बोलेंगे आमेन।